नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो माता के प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? मैं माता रानी के चरणों में आप सभी के लिए हर समय यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल सुरक्षित हो, स्वस्थ हो एवं ठीक हो। तो माता के प्यारे भक्तों, जैसे आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्र आने वाला है यानी माँ दुर्गा का पूजा का समय बहुत ही निकट आ गया है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को माँ नवदुर्गाओं का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को संपूर्ण रूप से श्रवण कीजिएगा, सुनिएगा, आपकी सारी मनोकामना माता अवश्य पूरी करेंगी, आपकी सारी मनोकामना देवी माँ अवश्य पूर्ण करेंगी। तो माता के प्यारे भक्तों, मैं आज आप लोगों को माता नवदुर्गाओं का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री के विषय में बताने जा रहा हूँ। आप मन से सुनिएगा। जय माता दी। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा जी हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में सर्वप्रथम दिवस में ही इन्हीं की पूजा एवं उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषरूरा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी ये देवी जानी जाती है। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, वैसे में वह जाना उचित नहीं है। परंतु माता सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो श्री महा ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे, भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को क्लेश पहुँचा। वे अपनी पति का ये अपमान ना सह सकी और यज्ञ द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर शंकर भगवान ने तांडव करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यहाँ सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह फिर भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माता सती को, माता शैलपुत्री को सती, पार्वती, वृषरूरा, कमला, दुर्गा, भवानी के नामों से भी जाना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको माता का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ माता का ये चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट के माध्यम में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको माता शैलपुत्री की ये कहानी कैसा लगा। तो माँ भगवती शैलपुत्री के चरणों में आप सभी के लिए, सारी विश्व के कल्याण के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए और माता की असीम कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहिए। जय माता दी।